हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फ्रॉम कौशल्या। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 का लेसन नंबर 17, सोलर सिस्टम का। जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था उसके जो प्लैनेट्स थे वो आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, पढ़ना। मर्क्यूरी, ठीक है, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इन सब के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो आज हम स्टार्ट करते हैं प्लैनेट्स को पढ़ना। तो हमारा जो पहला प्लैनेट रहेगा वो रहेगा मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बुध ग्रह भी बोलते हैं। अब ये मर्क्यूरी कैसा है, इसका अंदर क्या क्या है, ठीक है ना, ये कैसा है कैसा नहीं, ठीक है ना, इसके बारे में सब इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो जो मर्क्यूरी है ना वो सन के क्या है, बहुत पास है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो सन के पास वो प्लैनेट है ना वो क्या है, मर्क्यूरी है, ठीक है ना। और जो सबसे छोटा प्लैनेट है ना सोलर सिस्टम का वो भी क्या है, मर्क्यूरी है, ठीक है ना। जो सबसे छोटा प्लैनेट है और जो सबसे पास है सोलर सन के वो क्या है, मर्क्यूरी है, ठीक है। इसके अलावा जो मर्क्यूरी है ना वो दिन भर तो क्या रहता है, हमें अर्थ से क्या देखना है, हमें अगर अर्थ से मर्क्यूरी को देखना है तो वो क्या है, दिन भर तो रहता है सूरज की रोशनी में रहता है, ठीक है ना, जिससे वो क्या होता है, हमें दिखाई नहीं देता। वो हमें दिखाई देगा बिफोर द सनराइज एंड आफ्टर द सनसेट, हमें वो दिखाई देगा। बात समझ आ गई, ठीक है ना। और इसके अलावा मर्क्यूरी हैज नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन, ठीक है ना, मर्क्यूरी की खुद की कोई भी सैटेलाइट नहीं होती। ओके बच्चों, सो आप इसको अभी हम आपको पढ़ के सुना देती हूँ। द नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन, इट इज स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, इट कैन बी ऑब्जर्व जस्ट बिफोर सनराइज और जस्ट आफ्टर सनसेट नियर द होरिजन, ठीक है। मर्क्यूरी हैज नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन, इसकी खुद की कोई भी सैटेलाइट नहीं होती। जैसे अर्थ की क्या है सैटेलाइट, मून है ना, वैसे मर्क्यूरी की कोई भी सैटेलाइट नहीं होती। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी हमारा अगला जो प्लैनेट है वो है वीनस है, इसको हिंदी बोलते हैं शुक्र ग्रह, ठीक है। वीनस क्या है, ये पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, वीनस ग्रह है, ठीक है। और सन से कौन सा सेकंड नंबर पे है, कौन है, वीनस ग्रह, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वीनस इज अर्थ नियरेस्ट प्लेनेटरी नेबर, ठीक है। तो अभी मैं आपसे पूछूं कि हमारे अर्थ का नेबर कौन है, वीनस है, ठीक है। तो इट इज ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द स्काई, ठीक है ना, ये स्काई में या आसमान में सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, ठीक है ना। इसको हम आराम से देख सकते हैं, कब देख सकते हैं, सूर्य उदय होने से पहले, लाइक सनराइज से पहले और सूर्यास्त होने के बाद, ठीक है ना, सनसेट के बाद में इसको हम आराम से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इस प्लैनेट को क्या बोलते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, ठीक है ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें ये सनराइज से पहले भी काफी देर तक दिखाई देता है और सनराइज सनसेट के बाद भी हमें काफी देर तक दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बोलते हैं, ठीक है। और ये हमें नग्न आंखों से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हम इसके लिए टेलीस्कोप चाहिए, ठीक है ना। जैसे वो जैसे मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी को देखने के लिए हमें क्या चाहिए हो सकता है, टेलीस्कोप चाहिए हो सकता है देखने के लिए, पर इसके लिए हमें कोई टेलीस्कोप की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या ये ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई है, ठीक है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द स्काई है, ठीक है। और इसको वो क्या बोलते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। तो मैं आपसे पूछूं मॉर्निंग और इवनिंग स्टार किसको बोलते हैं, तो आप बोलोगे मैडम वीनस को बोलते, ठीक है। इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट व्हाइल द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है ना। इसने बोला है कि जो ये जो वीनस है, वीनस क्या रोटेट करता है, जैसे अपने एक्सिस पे रोटेट करता है ना, तो ये रोटेट कैसे करता है, ये रोटेट करता है ईस्ट से वेस्ट, अपने एक्सिस के ऊपर ये कैसे रोटेट करता है, ईस्ट से वेस्ट। वहीं पर जो अर्थ हो गई या बाकी के जो प्लैनेट्स है कुछ, जो वो क्या करते हैं, वो वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं यूं। जबकि ये क्या करता है, वीनस है जस्ट उल्टा अपने एक्सिस में क्या करता है, उससे जस्ट उल्टा अपने डायरेक्शन में क्या करता है, रोटेट करता है, ईस्ट से वेस्ट क्या करता है, रोटेट करता है। बात समझ आ गई, ठीक है। वहीं पे यू विल ऑब्जर्व दैट द वीनस शोज फेजेस जस्ट लाइक द मून, अगर आप इसको कंटिन्यू डेली आप अगर आप इसको देखोगे, ठीक है ना, तो ये आपको कैसा दिखाई देगा, ये आपको जो होता है ना मून के जो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस है ना, उसकी तरह आप इसके फेजेस भी देख सकते हो, वीनस के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस भी आप इसको देख सकते हो। अगर आप क्या करो, इसको रोज ऑब्जर्व करो, टेलीस्कोप से देखो, तो आप इसको आराम से इसके डिफरेंट डिफरेंट क्या देख सकते हो, फेजेस देख सकते हो। बात समझ आ गई, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं जिस पे हम रहते हैं, हम किसके ऊपर रहते हैं, हम रहते हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है ना। अर्थ के बारे में बात करेंगे, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे हमारा यहाँ पे ह्यूमन बीइंग है, उसका एग्जिस्टेंस क्यों बना, ठीक है ना, इन सब के बारे में भी बात करेंगे। सो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी हम बात करेंगे अर्थ के बारे में।
अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट। अब यहाँ पे हमने बोला कि अर्थ इज द ओनली प्लैनेट, ठीक है ना, जहां पर क्या है, लाइट है, मतलब लाइफ है, ठीक है ना, वहां पे लाइफ है, लोग रह रहे हैं, ह्यूमन बींग्स है, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों है, क्या कारण है कि भाई ओनली अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, क्यों भाई ऐसा? इसलिए है, देखो पहले बात तो यहाँ पर स्पेशल एनवायरमेंटल कंडीशन। अब स्पेशल एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है, देखो पहले बात तो यहाँ पर क्या है कि सन से अर्थ के क्या एक अच्छे डिस्टेंस है, ठीक है ना, एक राइट डिस्टेंस है सन की और अर्थ के क्या एक अच्छे डिस्टेंस है, जिसके कारण क्या है कि वहां का जो टेम्परेचर है ना अर्थ का, वो एकदम उसके रेंज में है, जो लाइफ है जिस रेंज में, जिस टेम्परेचर में लीव कर सकती है वैसा टेम्परेचर है वहां पर, ठीक है। इसके अलावा क्या है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, और हमारे लिए जैसे क्या करने के लिए, ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, एक ब्लैंकेट है, ओजोन का क्या है, ब्लैंकेट है, वो ओजोन का जो ब्लैंकेट है, लाइक एक जो ओजोन की जो लेयर है पृथ्वी के चारों तरफ, वो क्या करती है, वो क्या करती है, जो यूवी रेज होती है ना वो पृथ्वी पर आने से उनको क्या करती है, रोकती है, ठीक है ना। तो ये सब सूटेबल कंडीशन है जिसके कारण यहाँ पर क्या है, लाइफ एग्जिस्ट की, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर क्या है, यहाँ पे पानी का अच्छा सोर्स है, ठीक है ना, पानी भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इससे बहुत सारी जो कंडीशन है जिसकी वजह से क्या हुआ, अर्थ के ऊपर लाइफ क्या की, एग्जिस्ट की, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आपको इसको पढ़ के सुना देती हूँ। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द सम स्पेशल एनवायरमेंटल कंडीशन, द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, द राइट टेम्परेचर रेंज, द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड सूटेबल एटमोसफेयर एंड अ ब्लैंकेट ऑफ ओजोन। बात समझ आएगी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो स्पेस है ना, स्पेस से हम अगर अपने देखते हैं अर्थ को देखते हैं ना, तो वो कैसा दिखाई देता है, स्पेस से जब हम अर्थ को देखते हैं ना, वो ब्लू ग्रीन दिखाई देता है। अब ब्लू ग्रीन क्यों दिखाई देता है बेटा, इसलिए दिखाई देता है ब्लू ग्रीन क्योंकि क्या है कि अर्थ के ऊपर क्या पानी है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जो जो लैंड मास है, मतलब जो पेड़ पौधे है ना, उसके कारण क्या होता है कि ना वहां से क्या करती है, लाइट रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है ना, लाइट रिफ्लेक्ट करती है। तो हमें स्पेस से क्या दिखाई देता है, हमारा जो अर्थ है वो कैसा दिखाई देता है, ब्लू ग्रे, क्योंकि हमारे पृथ्वी पे क्या हरियाली है, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीजें तो मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ, ठीक है। तो अब इसमें देखो, फ्रॉम द स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू एंड ग्रीन ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अर्थ फ्रॉम वाटर एंड लैंडस्केप ऑन इट्स सर्फेस, ठीक है। जो लैंड मास है ना, लैंड मास क्या है यहाँ पे, जो ट्रीज है ना वो क्या हो गया, लैंड मास हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा द एक्सेस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ऑर्बिट, ये बोल रहा है कि जो जो एक्सेस ऑफ जो रोटेशन है ना, जो अपने एक्सेस पे क्या करता है, रोटेट करती है पृथ्वी, वो क्या ऑर्बिट है ना, जिस ऑर्बिट मतलब जिस ऑर्बिट में क्या करती है, जिस पाथ पे वो मतलब सन के चारों तरफ क्या करती है, रिवॉल्विंग जो है ना चक्कर निकालती है ना, वो है ना उस ऑर्बिट के क्या है, जो रोटेशन ऑफ जो एक्सेस है ना वो परपेंडिकुलर नहीं। अब क्यों नहीं है परपेंडिकुलर, क्योंकि जो हमारा अर्थ है ना, लाइक की अर्थ है, वो क्या हो रखी है, टिल्ट हो रखी है, क्या हो रखी है, एक्सेस पे क्या हो रखी है, टिल्ट हो रखी है, कितना डिग्री, ये हो रखी है टिल्ट 23.5 लाइक 23.5 डिग्री, क्या हो रखी है, ये टिल्ट हो रखी है अपने एक्सेस पे, कितनी टिल्ट हो रखी है, 23.5 डिग्री टिल्ट हो रखी है, ठीक है ना, ऊपर से इतना और नीचे से भी इतना, तो ऐसे करके टोटल कितना हो गया टिल्ट, 66.5 डिग्री क्या हो गया टोटल ऑर्बिट पे, कितना टिल्ट कर रही है ये ऑर्बिट जो प्लेन है ना उस पे टोटल कितना टिल्ट कर रही है ये 66.5 डिग्री, ठीक है ना। तो ऐसे करके इसकी वजह से क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर नहीं होता, इसकी वजह से क्या होते हैं कि जो अर्थ है ना, अर्थ में आपने वेरियस सीजन देखे होंगे, लाइक कभी विंटर, कभी समर, कभी रेनी सीजन, ठीक है ना, कभी स्प्रिंग सीजन, ठीक है ना। तो आपने जो सीजन वगैरह देखे ना, बिकॉज ऑफ द टिल्ट, ठीक है ना, जो पृथ्वी अपने एक्सिस पे क्या रखे, टिल्ट हो रखे ना, इसी के कारण क्या होता है, ये बहुत सारे सीजन्स वगैरह पृथ्वी पर आते हैं, ठीक है। और हमें सभी को पता है कि जो अर्थ होता है ना, उसका सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही मून है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पढ़ के सुना देती हूँ, द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ऑर्बिट, द टिल्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ रीजन ऑफ सीजन ऑन द अर्थ, ठीक है ना। इसके अलावा द अर्थ हैज ओनली वन मून, बात समझ आ गई। ये मैंने आपको अर्थ की सारी चीजें बता दी, लाइक अर्थ यहाँ पे, अर्थ के ऊपर लाइफ क्यों एग्जिस्ट किया, बिकॉज ऑफ द स्पेशल एनवायरमेंटल कंडीशन, क्या टेम्परेचर, सूटेबल टेम्परेचर, वाटर, ठीक है। इसके अलावा जो एटमोसफेयर है, ओजोन लेयर है, ठीक है ना, इन सब के कारण वहां पे क्या किया,
लाइफ वहां पे एग्जिस्ट किया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, ये स्पेस से देखते हैं तो पृथ्वी हमें ब्लू एंड ग्रीन दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वाटर से और जो लैंडमार्क मतलब जो ट्रीज है लैंडमार्क, उनसे क्या होती है लाइट रिफ्लेक्ट होके वो कैसी दिखती है, ब्लू एंड ग्रीन दिखाई देती है। बात समझ आ गई। इसके अलावा हमने देखा कि जो एक्सिस ऑफ जो रोटेशन है वो ऑर्बिट प्लेन के क्या बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं है। क्यों नहीं है परपेंडिकुलर? बिकॉज वो क्या करती है अपने एक्सिस के ऊपर क्या रखी है, टिल्ट हो रखी है, ठीक है ना। बात समझ आ गई। सो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो अभी हमारा जो नेक्स्ट जो प्लैनेट है वो है मार्स। इट अपीयर स्लाइटली रेडिश एंड देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट, ठीक है ना। जो ये मार्स है ना, ये कैसा दिखता है, ये क्या है, रेडिश है, ठीक है ना। और इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, रेड प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है ना। दिखने में कैसा होता है, मार्स रेड होता है, ठीक है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रेड प्लैनेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो मार्स है ना, इसके ना खुद के क्या है, दो नेचुरल सैटेलाइट है। कितने? दो नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है ना। तो मून हैज टू स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट। बात समझ आ गई, ठीक है ना। तो मैंने बोला जो मार्स है वो कैसा दिखता है, रेडिश दिखता है, इसीलिए इसको रेड प्लैनेट बोलते हैं। इसके अलावा जो मार्स है उसके खुद के कितने प्लैनेट कितने नेचुरल सैटेलाइट होते हैं, दो नेचुरल सैटेलाइट होते हैं। बात समझ आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और बहुत ही गर्व की बात इंडिया के लिए कि इसरो ने जो हमारी इंडियन स्पेस एजेंसी है ना इसरो, इसने यहाँ पे इंडिया का जो फर्स्ट जो मार्स ऑर्बिटर मिशन था ना वो लॉन्च किया इन्होंने। कब लॉन्च किया इन्होंने? लॉन्च किया 5 नवंबर 2013 को। इन्होंने जो फर्स्ट जो मार्स जो मिशन था मंगलयान, क्या नाम था उसका, मंगलयान, उसको इन्होंने 5 नवंबर 2013 को क्या किया, लॉन्च किया। लॉन्च किया तो फिर वो जो मंगलयान था ना वो सक्सेसफुली कहां पे, मार्स के ऑर्बिट में क्या हो गया, प्लेस्ड हो गया। कब हुआ प्लेस? 24 सितंबर 2014 में। कब प्लेस हुआ वो सक्सेसफुली? 24 सितंबर 2014 में। क्या हो गया वो जो हमने भेजा था ना मंगलयान मिशन, वो मार्स के ऑर्बिट में क्या हो गया, मार्स के ऑर्बिट में सक्सेसफुली क्या हो गया, प्लेस्ड हो गया। बात समझ आ गई। अब आप बोलोगे ऑर्बिट कैसे, ऑर्बिट लाइक जैसे वो सन के चारों तरफ जिस ऑर्बिट में घूम रहा है ना उस ऑर्बिट में क्या हो गया, वो प्लेस्ड हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक बहुत ही हमारे इंडिया के लिए क्या है, गर्व की बात है। और ऐसा करने वाला फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने क्या किया था, ये पास किया था। बात समझ आ गई क्या, ठीक है ना। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ये सक्सेस हासिल करने वाला इंडिया क्या बन गई, पहली कंट्री बन गई। बात समझ आ गई, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। और आज जो मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं, आज जो मैंने प्लैनेट्स पढ़ाए ना वो सारे क्या, इनर प्लैनेट्स है, ठीक है ना। आज जो मैंने प्लैनेट्स पढ़ाए वो सारे क्या, इनर प्लैनेट्स है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आउटर प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। मैंने आपको इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स में डिफरेंस बता दिया। जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है उसकी जो एक तरफ है जो सूर्य के जो उस तरफ है ना वो क्या हो गया, इनर प्लैनेट्स हो गए। जो सूर्य से दूरी की तरफ है वो क्या हो गए, आउटर प्लैनेट्स हो गए, ठीक है ना। एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या करता है, इनको डिवाइड करता है इनर एंड आउटर प्लैनेट्स में। बात समझ आ गई। सो हमने इनर प्लैनेट्स के बारे में बात कर ली है। एंड थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।